रूसी बमबारी के बाद खंडर बना मरियोपोल शहर। जेलेंस्की ने आज सुबह ही कहा, बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि मरियोपोल में हमें और हथियार चाहिए, जेलेंस्की का यह स्टेटमेंट था। लेकिन पूरा शहर मरघट बन चुका है, खंडर के अलावा कुछ नहीं है। मरियोपोल का साइज 1/5 ऑफ कीव है। यहां पर तस्वीरें जो आप देखें, कुछ बाकी नहीं है। अभी भी करीब 1000 लोग मरियोपोल में मौजूद हैं जो कि अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग मरियोपोल से या तो रूस की तरफ जा चुके हैं या ज़ापोरिज़्या होते हुए दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ जा चुके हैं। यूक्रेन के मरियोपोल पर रूस का अभी भी कब्जा नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर दिखी थी 9 मई को, जब मरियोपोल में अजोवस्ताल में यूक्रेन का झंडा दिखाई गया था। अजोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद यूक्रेन की सेना 11 किलोमीटर जमीन के अंदर की टनल से छुप छुप कर रशिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ 2 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप रशिया के मौजूद हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।